आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे प्रिय नेता, हमारे लीडर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान हैं कि हमारे लिए, भारत जोड़ने के लिए 3,687 किलोमीटर कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हर युवक उनको मिलते गया, हर नागरिक उनको मिलते गया, हर एक देश का वासी उनको मिलते गया और अपनी अपनी तकलीफें उनके सामने लेके आए। बताइए, ऐसा कोई दूसरा नेता जो 3,687 किलोमीटर धूप में, बारिश में, तूफान में, सर्दी में, बर्फ में चलते हुआ गया है, ये हमारे लिए लड़े हैं, एक देश की अखंडता के लिए किए हैं। आज हम जब आएंगे ऐसा उनका इस्तकबाल कीजिए, ऐसा उनका वेलकम कीजिए कि यहां से आपकी तालियों की आवाज पूरे शहर में जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ये पहली यात्रा है जो पब्लिक रैली है उनकी, जो कर्नाटक में हो रही है और हम नसीब वाले हैं कि बेलगाम शहर में हो रही है। इसमें का नाम दिया गया है युवा क्रांति रैली, और युवक से मिलना चाहते हैं, युवक से मुखाफित होना चाहते हैं, सबसे मिलके रहना चाहते हैं। तो हम सब मिलके उनका इस्तेमाल करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि जब सरकार बनाएगी सबसे पहले घर के हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। 200 यूनिट यानी 1600 रुपया होता है पर प्रति महीने। साथ ही साथ गृह लक्ष्मी करके भी एक गारंटी दी गई है जो हर महिला को, हर घर की महिला को, एक लेकू हर महीना 2000 रुपये दिया जाएगा। ये 2000 रुपया बचा के तो बच्चे के शिक्षण में लेके आ सकते हैं, या गैस, अनाज, धान्य, तेल महंगा इतना हो गया है कि उसमें वो खर्च कर सकते हैं। तीसरी गारंटी, हर इंसान के लिए 10 किलो राइस फ्री दिया जाएगा। और आज राहुल जी आके एक युवा के लिए भी एक प्रोग्राम लेके आए हैं, वो आपके सामने जाहिर करेंगे। आपने देखा कि 2013 से लेके 2018 तक सिद्धरमैया सरकार ने कितना डेवलपमेंट काम किया था, और 2018 से 2023 तक आप देख रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ महंगाई और परेशानी ही बढ़ती गई। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद हो गई, अन्य भाग्य, शीर भाग्य, इंदिरा कैंटीन्स, जो भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम कांग्रेस सरकार ने दी थी वो सब बंद हो गए।
हमें आप सबसे दरखास्त है कि एक बार कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए और बड़ी बहुमत से कांग्रेस को जिता के ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।